हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों जय श्री केदार, आप सभी का केदारनाथ धाम की पावन धरा से मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम जाने वाले हैं भैरवनाथ जी के ट्रैक पर, और मेरे साथ है मेरे न्यू फ्रेंड। दोस्तों मेरा नाम अजय राज सिंह, राजस्थान अलवर जिले का रहने वाला हूँ। भैया हमारे राजस्थान से ही भाई मिले हैं हमें। हाँ बिल्कुल, घर के ही है भाई, और बिल्कुल बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। भैया भी ट्रैकिंग करते रहते हैं। और कहाँ कहाँ गए हुए अभी आप? भैया मैंने, हम बात करें अगर माउंट एवरेस्ट की, तो पांचवा जो बेस कैंप है वहाँ तक किया हुआ है। उत्तराखंड के जितने भी ट्रैक है वो सारे मैंने किए हुए हैं। केदारनाथ धाम मेरी ये चौथी यात्रा है, बाबा ने मेरे को चौथी बार आशीर्वाद दिया है और दर्शन के लिए बुलाया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा YouTube चैनल भी है रोमर राज 007 के नाम से, आप मेरे YouTube चैनल पे मेरी जर्नी को देख सकते हो। तो आप जरूर जाना भैया के चैनल पर और देखना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों ये ब्रिज क्रॉस करके जाना होता है इधर की तरफ। जैसे ही आप जाओगे यहाँ पर अलवर का भंडारा लगा हुआ है जो कि हमारे राजस्थान से ही है, और ये पूरे 6 महीने तक खुला रहता है सभी यात्रियों के लिए, आप देख सकते हो। एंड हर हर महादेव, आप यहां पे जरूर आना और प्रसादी ग्रहण करना। दोस्तों भैरवनाथ जी का ट्रैक अब यहां से स्टार्ट होता है, ये इसका मेन गेट है, और यहां पर आप देख सकते हो ये घंटी भी है। तो इसे बजाने के बाद हम आगे अपने ट्रैक की शुरुआत करते हैं लेके भैरवनाथ जी का नाम। और बाकी ये मेरे पीछे आप केदार वैली देख सकते हो घाटी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल था, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी का सीज़न आ रहा है तो स्नोफॉल नीचे पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, जिस वजह से आपको अभी बर्फ़ थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ऊपर जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्नो हमें देखने को मिलेगा। वाकई ये नज़ारा चेक करो, और हमारे केदारनाथ बाबा का मंदिर वो रहा, ये देखो। जय हिंद सर। इन्हीं की वजह से हम इतना सर्वाइव कर पाते हैं, ये साल भर यहाँ पर रहकर हमारे केदारनाथ बाबा की रक्षा करते हैं और चेक करते हैं। बिल्कुल, कैसा लगा ट्रैक, कैसा है? बहुत ही नाइस व्यू, नाइस व्यू, व्यू अच्छा है पर सांस फूल जाएगी। अच्छा चलो चलते हैं और चेक करते हैं कि हमारी भी सांसें फूलती है नहीं फूलती। जो कमजोर लोग होते हैं उनकी सांसें फूलती है, हमारी नहीं फूलेगी क्योंकि बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और दोस्तों ये देखो हेलीकॉप्टर भी आ गया। तो प्रकृति का कितना अद्भुत नजारा है हमें देखने को मिलता है केदारनाथ धाम पर। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर छोटे छोटे घर बनाए गए हैं ताकि वो यहाँ पे प्रे करते हैं, इस तरह से घर बना कर कि उनका भी भगवान इसी तरह से, देख सकते हो 6-6 मंजिल 7-7 मंजिल का लोग घर बनाते हैं यहाँ पर, हम भी बनाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर ट्रैक पर, और ये अभी ट्रैक से आ रहे हैं। कैसा है आपका एक्सपीरियंस ऊपर जाने का? बहुत ही अच्छा है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। कुछ प्रॉब्लम वगैरह थोड़ी आई आपको ऊपर? कितना दूर हो रहा है ऊपर? बस थोड़ी दूर है, आधा किलोमीटर समथिंग। ऊपर स्नोफॉल तो होगा ना? नहीं अभी तो नहीं है। नहीं है? नहीं। अच्छा कहाँ से आए हो वैसे आप? हम लोग सिवनी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से, चलो वाओ, बाबा जी आप पे आशीर्वाद बनाए रखे। जय श्री महाकाल, जय श्री केदार। तो जैसा कि आपने सुना उनसे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यार, अगर आप मन से जाते हो ना तो दिक्कतें तो कुछ भी नहीं आती, मुश्किलें भी आसान बन जाती है जब हौसले बुलंद होते हैं, ठीक है। बाकी ये चेक करो नज़ारे, इस नज़ारे को देखते देखते तो आराम से जा सकते हैं यार। ये बेली थी ना, ये बर्फ़ देखो नीचे पिघल गई है, ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था उस टाइम पे, लेकिन अब बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं बची यहाँ पर। और गाइज अभी मैंने, आप देख सकते हो क्या सीन है, ये रेनकोट वगैरह पहन रखा है क्योंकि यहाँ पे मौसम चेंज होता रहता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना थोड़ी बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो जाती है, तो पता नहीं कब मौसम चेंज हो जाए, इसलिए अपनी सुरक्षा अपने साथ और रेन कोट इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ मैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हो पूरी
ऊपर से पूरी केदार घाटी हमें दिखाई देती है। और दोस्तों आप देख रहे हो ये पूरी केदार घाटी यहाँ से दिखाई देती है। और जो आप ये रास्ता देख रहे हो ये है गरुड़ चट्टी के लिए जा रहा है। यहाँ पर हनुमान गुफा है जहाँ पर हमारे हनुमान जी ने तपस्या की थी। और जो यहाँ से ये होते हुए जा रहा है ना, ये लास्ट तक जहाँ तक आपको बर्फ दिख रही है ये है बासुकी ताल। और इस अपने केदारनाथ मंदिर के पीछे जो आप देख रहे हो यह है चौरावासी ग्लेशियर। जो 2013 में बाढ़ आई थी वो इसी ग्लेशियर के पिघलने से बाढ़ आई थी, जिसके अंदर ये पूरा तबाह हो गया था। और भैरवनाथ जी के तो अभी हम जा रहे हैं, अब हल्की हल्की बूंद भी स्टार्ट हो चुकी है, तो ये रेनकोट मुझे बहुत हेल्प करने वाला है। बाकी नज़ारा बहुत ही अच्छा है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए मेरे हाथ भी जम चुके हैं, देख सकते हो आप। चलिए सो गाइस हमारा ट्रैक कंप्लीट हो गया है और देख सकते हो भैरवनाथ जी का मंदिर भी आ गया है। और स्नोफॉल देख सकते हो ऊपर, नज़ारा यहाँ से पूरा यार जो नज़ारा दिखाई देता है ना केदार वैली का वो बिल्कुल अद्भुत है, ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए, सही कहते हैं लोग। ये भैरवनाथ जी का लास्ट टाइम में जब आया था यहाँ पे पूरा बर्फ ही बर्फ से ढका हुआ था, जिस वजह से मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, बट अभी तो बर्फ ही नहीं है बिल्कुल। भैरवनाथ जी के मंदिर से ऊपर जो केदार घाटी का जो व्यू दिखाई देता है वो कितना ही अद्भुत है, कितना ही अद्भुत नज़ारा है हमें देखने को मिलता है। और यार बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ इस नज़ारे को देखने में, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल स्वर्ग है। और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ से ढका हुआ पहाड़ देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी।